कई बार उठता है कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं। अक्सर लोगों से सुना है कि लिखा तो हुआ है हमारे ग्रंथों में, इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अब गीता में आर्ट ऑफ लिविंग तो बताया है, हर छोटे से छोटा पहलू भी बताया है, वो सारी बातें बताई हैं जो हर युग में वैलिड है। खाना भी हर किसी की लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बात करें गीता की, तो मैंने कुछ ही समय पहले गीता पढ़ना शुरू किया और इस सवाल का जवाब भी ढूंढा कि आखिर क्या खाने को गीता में कहा है और क्या नहीं खाने को कहा है। आपको जवाब भी देना शुरू किया इस सवाल का पिछली दो वीडियोस से कि आखिर गीता में क्या खाने को मना किया है, क्या खाने को कहा है। गीता में फूड के टाइप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला तो मैंने आपके साथ शेयर किया था तामसिक फूड, दूसरा कल शेयर किया राजसिक क्या होता है, और आज के वीडियो में बात करेंगे इस आखिरी वीडियो में कि सात्विक फूड क्या होता है। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड, जहां रोजाना गीता से एक श्लोक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, उसका ट्रांसलेशन आपको बताती हूँ विदाउट एनी स्पेक्यूलेशन एंड विद जस्ट वन मोटिव कि आपकी और मेरी लाइफ बड़ी सॉर्टेड रहे। गीता जिसे हम सबसे बड़ा मोटिवेशन गुरु कहते हैं, इसी के साथ। तो भाई आज का जो श्लोक है वो है फ्रॉम चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रुणु। आयुः सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन जानते हैं, विच सेज पर्संस इन द मोड ऑफ गुडनेस prefer foods that promote lifespan and increase virtue, strength, health, happiness and satisfaction. Such foods are juicy, succulent, nourishing and naturally tasteful. अब जानते हैं हिंदी में बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है, which says कि गीता में कहा है सत्व गुण जो शुद्ध है, जो प्रकाशवान है और शांत है, और ये हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन की जो भावना है इसको डेवलप करता है। सत्व गुण में फूड प्रोडक्ट्स का भी वैसा ही इफेक्ट होता है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि गीता में स्पेसिफिकली कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कि वेज खाना है कि नॉन वेज नहीं खाना है, ये कहीं भी गीता में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। जो लिखा है वो ये 3 टाइप के फूड कैटेगरीज लिखी हैं कि राजसिक होता है, तामसिक होता है, सात्विक होता है, और इस फूड का क्या नेचर होता है, क्या हम पर इम्पैक्ट होता है, वो भी लिखा है। और कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि चुनना आपको है कि आप कौन सा फूड चुनते हैं, ये चुनाव आप ही को करना है। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही, मुलाकात कल फिर से करेंगे विद अ न्यू वीडियो जिसमें हम एक और श्लोक लेकर के आएंगे गीता का, उसका ट्रांसलेशन आपको बताएंगे विद जस्ट वन मोटिव कि आपकी और हमारी लाइफ रहे कॉम्प्लिकेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री और सॉर्टेड। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।